हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बाइंडी टू प्रयागराज यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर के आईपीओ साइकिल के बारे में, कैसे कंप्यूटर किसी डेटा को इनपुट करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट रिप्रेजेंट करता है आपके मॉनिटर वाली स्क्रीन पे। तो आइए आज बात करते हैं कि कंप्यूटर उस वर्क को कैसे परफॉर्म करता है, कैसे उस बात को वो खुद समझता है। तो हम लोग को पता है, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इस बारे में कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट मीन्स वो किससे चलेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा। और किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दो ही स्टेट होती है, या तो वो क्या होगी, ऑन होगी, या तो क्या होगी, वो ऑफ होगी। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसी ऑन को हम लोग ट्रीट कर लेते हैं वन, और ऑफ को ट्रीट कर लेते हैं जीरो। और ये जो वन और जीरो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। कौन सा बिट बोलते हैं, बाइनरी बिट। इट मींस यही बाइनरी डिजिट होता है। अब बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये किस लैंग्वेज को समझता है, अपनी खुद की लैंग्वेज को। और उसकी जो खुद की लैंग्वेज है, उसके लैंग्वेज का नाम है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो ऐसी लैंग्वेज जो बिना ट्रांसलेट किए हुए मशीन या कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है, वो लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है। इसी लैंग्वेज को हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। और इस जीरो वन को हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, जैसे वन को हम लोग ऑन के नेम से भी जानते हैं या ट्रू के नाम से भी जानते हैं, जीरो को ऑफ या फिर फॉल्स भी ट्रीट करते हैं। अब आइए बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जो भी कोड होते हैं वो सब बाइनरी डिजिट में होते हैं, बाइनरी बिट में होते हैं। तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को तो समझता नहीं है, हम भी कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर हम समझना चाहे तो समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग के पास दो ही मीडियम होता है, या तो हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ के समझ सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है मेरे पास, कोई ट्रांसलेटर यूज कर ले। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर को भी हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब अगर बात करें हम लोग अपनी लैंग्वेज की, तो हम लोग जिस लैंग्वेज को समझते हैं उसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। अब अगर बात करें हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो ऐसी लैंग्वेज जो हम लोग क्या करते हैं, कोई यूजर, कोई क्लाइंट डायरेक्टली समझ लेता है, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाएगी, वहां पे हमेशा बात की जाएगी इंग्लिश की। अब कुछ लोग तो इसको समझेंगे कि हमें तो हिंदी समझ में आती है, उर्दू भी समझ में आती है, इंग्लिश भी समझ में आती है, और भी अदर लैंग्वेज समझ में आती है। तो क्या सभी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में है? नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करते हैं। अब होता क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी इनपुट कर दिए, फॉर एग्जाम्पल ए इनपुट कर दिए। अब इस ए को वो बाइनरी डिजिट में, लो लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हर किसी करेक्टर का, या फिर कीबोर्ड में हर किसी एक की का, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई स्पेशल सिंबल हो, हर किसी का एक आस्काई वैल्यू फिक्स होता है। आस्काई वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे क्या होता है, आप मार्केट में कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, उसके साथ क्या होता है, जैसे आप 1 लीटर बॉटल का, पानी का बॉटल लेते हैं, उसमें क्या होता है, उतना ही पानी आपको भी मिलेगा, उतना बड़ा बॉटल की साइज आप आपको भी मिलेगी 1 लीटर की, जो दूसरे के लिए होगा। तो कहने का मतलब, अब पूरे इंडिया में उस 1 लीटर बॉटल की जो वैल्यू है, जो साइज है, वो तो फिक्स है ना, तो वो कैसे फिक्स है, वो हमने कर रखा है। तो वैसे क्या होता है, हर किसी करेक्टर का, हर किसी सिंबल का, हर किसी नंबर का एक आस्काई वैल्यू फिक्स होता है, और वो आस्काई वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, डेसिमल के फॉर्म में। अब इस डेसिमल को हम लोग चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में, लो लेवल लैंग्वेज में, इट मींस बाइनरी लैंग्वेज में। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, तो ये जो जीरो और वन का जो फॉर्म होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो हमको पता है कि ए का जो आस्काई वैल्यू होती है, ए की, वो 65 होती है। कौन से ए की,
कैपिटल वाले ए की, ऐसे ये इंक्रीज होता जाता है। इट मीन्स कैपिटल बी की क्या होगी 66, कैपिटल सी की क्या होगी 67, ये ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी एक आस्काई वैल्यू फिक्स है। अब इस बाइनरी सॉरी इस डेसिमल को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी डिजिट में। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यही मशीन समझता है, यही कंप्यूटर समझता है। तो हम लोग जो एलसीएम वाला रूल यूज करते थे, पढ़े हैं, उसी के बेस पे इस 65 को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 और 1 के फॉर्म में। तो आइए 65 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 3 6, 2 2 4, कैरी क्या बचा, 1 बचा। तो जो कैरी बचता है उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। फिर देन नेक्स्ट 2 1 2 2 6 12, कैरी क्या बचा, 0। 2 8 16, कैरी क्या बचा, 0। 2 4 8, कैरी 0। 2 2 4, कैरी 0। 2 1 2, अब देखिए लास्ट में क्या होता है, तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक हमारा लास्ट में 0 नहीं आ जाता। इट मीन्स 2 0 जा, यहाँ क्या होगा, 0 होगा, और ये 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। या फिर हम इसको लास्ट में 1 को भी साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अप्रोच होती है वो बॉटम टू टॉप होती है। इट मीन्स बॉटम से स्टार्ट करना है, टॉप तक नंबर को हमको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 टाइम 0। अब ये क्या है, 65 का बाइनरी डिजिट कोड है। 65 का बाइनरी क्या है, 1 5 टाइम 0 एंड लास्ट में 1। अब क्या हो रहा है, हमें ए लिखने के लिए अगर हम डायरेक्टली कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, हमें सिर्फ ए लिखने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। उसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफ है। पहले अगर उस लैंग्वेज में हमें लिखना है उसके बारे में क्या करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद लिख सकते हैं। तो अब कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है, अब कैसे समझेगा, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो हम डायरेक्टली उसको इस कोड में, इस फॉर्म में लिख दें, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, ट्रांसलेटर। क्या यूज कर लेते हैं, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर की बात कब आएगी, जब हम किसी मैटर को, किसी डेटा को, किसी इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। जब हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वहां पे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मशीन को डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज ही समझ में आती है। तो अब बात करते हैं, अब हुआ क्या, ये सारे वर्क जो परफॉर्म हो रहे थे ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ हो रहा था। तो अब किसी भी काम को करने के लिए, किसी प्रोग्राम को करने के लिए ये इतने स्टेप फॉलो करने पड़ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, तो लोगों ने सोचना शुरू किया और क्या किया, एक नए लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। उस लैंग्वेज का नाम है असेंबली लैंग्वेज। क्या नाम है, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, किसी भी बड़े से वर्क का, किसी भी बड़े से मैटर का जो शॉर्ट नेम होता है, जो शॉर्ट कोड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेमोनिक्स कोड। और वही नेमोनिक्स कोड यूज होता है असेंबली वाली लैंग्वेज में। अब अगर बात करें नेमोनिक्स क्या है, तो जैसे एग्जांपल में लेते हैं, हमें क्या करवाना होता है, ऐड करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है, सॉरी सब्ट्रैक्शन करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है, डिविजन करवाना होता है। तो ये सब वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले पहले इसको चेंज किस में करना पड़ेगा, लो लेवल लैंग्वेज में। अब ये एडिशन करने के लिए हर किसी को वो सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे क्या किया गया, इस काम को पैक किया गया और इसका नाम रख दिया गया एड। मतलब इस बड़े से काम का एक छोटा सा नाम रख दिया गया, छोटा सा कोड रख दिया गया, और जितने भी लोग इसको यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो जो 01 वाला फॉर्म है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझते हैं, अब उसको लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन ये किस लैंग्वेज में, इसको हम तो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि कंप्यूटर को समझाने के लिए इसको उसमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो वो समझेगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर है जिसका नाम क्या है, असेंबलर। अब ये असेंबलर क्या करेगा, तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज वाले कोड को ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में और बाइनरी वाले कोड को ट्रांसलेट कर देगा असेंबली वाली लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या हुआ, काम थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व अभी नहीं हुई। फिर इसके बाद देन लास्ट में क्या आया, हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई। वो कैसे सॉल्व हुई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें जो समझ में आता है हम डायरेक्टली उसी को इनपुट करते हैं और उसमें लगा हुआ ट्रांसलेटर उस कोड को ट्रांसलेट करके मशीन वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और मशीन वाली कोड को ट्रांसलेट करके हमारी वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर यूज होते हैं उसमें होता है, पहला आपका एक है कंपाइलर एंड दूसरा है इंटरप्रिटर। अब ये दोनों क्या करते हैं, तो दोनों कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। हम लोग जैसे चाहते हैं वैसे उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर उसमें लगा हुआ ट्रांसलेटर उस कोड को ट्रांसलेट करके एंड उसको उसकी लैंग्वेज में उन सारी बातों को बता देता है, समझा देता है, देन वो उस काम को बहुत आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या काम को करता है। तो अ कंप्यूटर परफॉर्म 5 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शन। कोई भी कंप्यूटर क्या करता है, 5 मेजर ऑपरेशन या 5 मेजर फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसमें पहला है इट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है। कैसे करता है, किसी इनपुट डिवाइस से, वो इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर या फिर और भी जो इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट वर्क उसका क्या है, इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो वो क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, स्टोर करेगा, तभी तो वो किसी काम को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, इट प्रोसेसेस डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन के बेस पे उस डेटा पे वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क परफॉर्म होते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो सारे वर्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। एंड लास्ट, इट गिव्स रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। लास्ट में क्या होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो रिजल्ट देता है और वो रिजल्ट किस फॉर्म में होता है, आउटपुट के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बात करें अगर हम लोग कि डेटा क्या होता है, तो रॉ फैक्ट और फिगर्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। तो कीबोर्ड से हम लोग कुछ भी इनपुट करते हैं वो क्या होता है, डेटा होता है, या फिर रॉ फैक्ट रॉ फिगर, हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट किए जिस पे अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, वो क्या होता है, हम लोग का डेटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो मीनिंगफुल डेटा व्हिच इज प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इज एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो कोई भी डेटा हो जब वो कन्वर्ट हो जाती है मीनिंगफुल फॉर्म में प्रोसेस होने के बाद, इट मींस हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सारी चीजें एक सीक्वेंस में एक मैनर में आ जाती हैं, इट मींस हम कह सकते हैं जब वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कोई डेटा आपके सामने आ जाता है तो वही डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन,
तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अ कमांड दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो कंप्यूटर को कमांड देना कि किसी काम पे कैसे परफॉर्म करना है, तो वही क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होना है। किसी डेटा पे कैसे कोई ऑपरेशन, कैसे कोई वर्क कंप्लीट करना है, दैट इज इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज प्रोसेसिंग? तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो आपके एक्शन का जो सीक्वेंस होता है, जो आपके डेटा का सीक्वेंस होता है किसी काम को करने के लिए, जो एक्शन लिया जाता है डेटा पे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। अब वही इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसी इंफॉर्मेशन पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोसेसिंग। व्हाट इज प्रोसेसिंग? तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो आपके डेटा पे, या फिर हम कह सकते हैं डेटा को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है, तो कन्वर्ट करते टाइम जो एक्शन लिया जाता है, जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है, उसी को प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज हार्डवेयर? तो हार्डवेयर के बारे में आप लोगों को सभी को पता है, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो फिजिकल कंपोनेंट होता है उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज प्रोग्राम? तो द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू आइदर इन सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल मैनर। तो कंप्यूटर को यह इंस्ट्रक्शन देना कि कैसे किसी काम को करना है, चाहे वो सिक्वेंस के फॉर्म में हो या फिर नॉन सिक्वेंशियल फॉर्म में हो, दैट इज नोन एज प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज इज रिफर टू एज अ सॉफ्टवेयर। तो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग का क्या होता है, उस काम से रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड जो हम लोग के कई सारे कलेक्शन होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो यहां तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना ना भूले। आज की क्लास यहीं तक के लिए एंड करता हूं। थैंक यू।